हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप? आई होप यू विल बी फाइन। उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल परफेक्ट होंगे, खुश होंगे। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक ऐसी रेसिपी जिसे खाकर आप बहुत अच्छा फील करेंगे, क्योंकि मेरे चैनल का नाम ही भावना गुड फील है। तो मेरा यही मकसद है कि मैं आपको ऐसी रेसिपी दूँ, ऐसा खाना खिलाऊं कि आप गुड फील करें। ओके, तो करते हैं अपनी रेसिपी चालू। तो आज मैं पहले आपको ये बता दूं कि आज मैं आपको बनाने क्या वाली हूँ, ठीक है? तो आज मैं आपके लिए बनाने वाली हूँ पीले वाले राइस, जो बच्चों को बहुत पसंद आते हैं, एकदम चटपटे राइस। ओके, तो उसके लिए मुझे क्या जरूरत पड़ेगी उसे अब मैं आपको दिखा देती हूँ। ओके, तो दिखाती हूँ मैं आपको। उसके लिए मैंने एक कटोरी ये चावल लिए हैं, आप देख सकते हैं, एक कटोरी चावल लिए हैं, और दो टमाटर लिए हैं मैंने ये, और एक लिया है मैंने ये मीडियम साइज का, ये लिया है मैंने एक ऑनियन, और ये करीब आधा कटोरी करीब ये हरे मटर है, हरे मटर लिए है मैंने, और मैंने क्या लिया है, और ये लिए है मैंने दो तेज पत्ते, और पांच छह ये लौंग है, और पांच छह हैं काली मिर्च, और ये है ग्रीन चिली, और ये है हरी इलायची दो, इसे मैंने छील लिया है। ओके, तो करते हैं रेसिपी शुरू और बताती हूँ मैं आपको कि इसके लिए आपको किस किस चीज की जरूरत पड़ने वाली है। ओके, तो करते हैं रेसिपी बनाना शुरू। तो सबसे पहले इनको हम सभी मसालों को काट लेते हैं, जो भी ओनियन है, टमाटो है, उसको काट लेते हैं। ओके, ये टमाटर और प्याज और ये ग्रीन चिली, इनको मैंने कट कर लिया है, काट लिया है। ओके, तो करते हैं रेसिपी बनाना शुरू। और जो चावल थे मैं आपको दिखाई दे कटोरी में राइस, वो मैंने दो तीन बार अच्छे से वॉश कर लिए हैं, और इनको करीब 2-3 मिनट के लिए मैंने पानी में भूख रखा था, ये आप देखिए ये धो दिए मैंने। और करते हैं अब रेसिपी बनाना शुरू। तो सबसे पहले हम लेव करेंगे ऑन, और इस पर रखेंगे हम अपना ये कुकर। ओके, कुकर रखेंगे सबसे पहले। तो मेरा कुकर हो गया है गरम, और इसमें डालती हूँ मैं, क्या डालती हूँ इसमें, डालती हूँ मैं मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल कितना डालूंगी, करीब 2 चम्मच के लगभग। ओके, ये मैंने 2 चम्मच के करीब इसमें मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है। इसके बाद मैं डालूंगी इसमें डालती हूँ मैं क्या, इसमें डालूंगी मैं जीरा। ये जीरा है करीब, मैं दिखाती हूँ आपको, ये जीरा लूंगी मैं, ये जीरा है करीब आधा चम्मच, ये आधा चम्मच जीरा मैंने इसमें डाल दिया है। और इसके बाद मैं डालूंगी इसमें ये काली मिर्च थी, ये काली मिर्च, और ये लौंग मैं इनमें डाल दूंगी अभी से। ओके, और ये तेज पत्ता है, ये तेज पत्ता लिया था मैंने, इस तेज पत्ते को भी मैं इसमें ऑयल में डाल दूंगी ताकि ये अच्छे से फ्राई हो जाए। ओके, और इसे भून लेते हैं थोड़ा थोड़ा, और आप थोड़ी फ्लेम आपकी थोड़ी डाउन कर दीजिए, तो क्योंकि इसमें लौंग डालनी है, इलायची डालनी है, लौंग इलायची इलायची डाली मैंने वो डाली है, लौंग डाली है, और इसमें डाली है काली मिर्च, वो इसमें चटकती है ऑयल में, तो अपनी फ्लेम को थोड़ा सा डाउन कर दीजिए। ओके, तो आपको दिखाती हूँ, ये हल्का सा हो गए हैं ब्राउन, गैस को कर दिया है मैंने ऑफ। इसके बाद मैं डालती हूँ इसमें ये ऑनियन डाल देती हूँ, इसमें डाल दी मैंने ऑनियन, और इसमें ऑनियन डालने के बाद इसे हल्का सा गोल्डन ब्राउन मुझे करना है, हल्का सा गोल्डन ब्राउन करना है मुझे। ओके, प्याज हो गया है गोल्डन ब्राउन, मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए ये हल्का गोल्डन ब्राउन हो चुका है, हमको इतना ही चाहिए। उसके बाद में मैं डालती हूँ इसमें ये टमाटर और हरी मिर्च लिए थे मैंने, इसको भी मैं इसमें डाल देती हूँ। इसको डालने के बाद में क्या करना है, इसको डाल दिया मैंने, और ये डाल दिया मैंने। इसके बाद इसमें हमको डालना है ये 1 चम्मच टर्मरिक पाउडर है, हल्दी पाउडर, ये इसमें हम डाल देंगे। ओके, 1 चम्मच हल्दी पाउडर डालने के बाद इसमें डालना है मुझे थोड़ा सा डालना है इसमें हरी लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ा। बच्चों के लिए खाना बना रही हूँ, आप जितना भी खाते हैं उतना ही डालिए, बच्चे आपका सीधा खाते हैं तो आप इसलिए डाल रहे हैं, तो मैं इसके लिए डाल रही हूँ आधा मिर्च, से थोड़ा सा कम है ये, आधा चम्मच से थोड़ा कम लाल मिर्च डाल दी मैंने, और इसे हल्का सा मैंने सेव को कर दिया है मैंने, और किसी चीज इसमें गर्म नहीं चाहिए। ओके, गर्म नहीं चाहिए, और ये इसमें पक रहे हैं। इसके बाद में मैं डालूंगी इसमें जो मटर लिया है मैंने, ये ताजा मटर है, इस मटर को देखिए, ये ताजा मटर है, इस मटर को मैं इसमें डाल दूंगी, इसका भी इसको भी हल्का सा भून लेती हूँ। ये मैं आपको दिखाती हूँ,
ये करीब 5 मिनट हो गए हैं इस सबको, तो मैं इसे भून लिया है, सब कुछ भून चुका है। इसके बाद में मैंने एक ये आलू धो के काट लिया है, उसे धो लिया है मैंने, इसे कट कर लिया है एक आलू को, उसको भी मैं इसमें डाल देती हूँ। ओके, इसको भी मैंने इसमें डाल दिया है। तो सारे मसाले आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। इसके बाद में डालूंगी इसमें जो मैंने चावल धोए थे, ये चावल मैं इसमें डाल देती हूँ। एक कटोरी चावल है, इन चावलों को मैंने इस कटोरी से मेजर किया था, एक कटोरी चावल थे ये, तो इसमें मुझे चाहिए एक कटोरी चावल के लिए मुझे इसमें चाहिए मुझे एक कटोरी चावल थे, तो एक कटोरी पानी डाल दिया मैंने, और ये दो कटोरी पानी, ये मैंने दो कटोरी पानी इसमें डाल दिया है। ज्यादा पानी नहीं डालना, एक कटोरी चावल में दो कटोरी पानी डालना है, ठीक है। और इसके बाद में आपको डालना है इसमें सॉल्ट, बाद में डालना है नमक। इसमें मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाला है, ये करीब 1.5 चम्मच नमक है इसमें, ये मैंने डाल दिया है इसमें। इसके बाद में सब कुछ इसमें पड़ चुका है, और फाइनली इसमें जो मैंने ये इलायची के दाने रखे थे इनको मैंने तोड़ लूंगी, तोड़ने के बाद में मैं इनको भी बाद में फाइनली डाल देती हूँ। ओके, इसके बाद में सबको आप अच्छे से मिक्स कीजिए। अच्छे से मिक्स करने के बाद में आप कर दीजिए इस कुकर का मुंह बंद, इसका ढक्कन कर दीजिए बंद, और वेट कीजिए एक सीटी आने तक। एक सीटी आने के बाद में हम आपसे मिलते हैं। ओके, तो कर दीजिए बंद, इसके बाद में आप अपनी फ्लेम को बंद कर दीजिए। ओके, इतना ही होता है, और जब तक इसमें प्रेशर रहता है तब तक आप इसे ना खोलें, और प्रेशर खत्म होने के बाद में आप इसे खोलें। ओके, हेलो, एक सीटी इसमें आ चुकी है, और सीटी को हम निकाल लेते हैं, प्रेशर का खत्म हो गया है, इसका प्रेशर खत्म हो चुका है। अब खोलते हैं इस कुकर को और देखते हैं कि आगे आगे इसके अंदर क्या हालचाल है। सीटी को हम खोल देते हैं। ओके, खोल कर दिखाती हूँ मैं आपको कि क्या बना है और क्या बनाया है। देखिए, अब पास से देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ ये क्या बना है। देखिए, आपको मैं एक प्लेट में करके दिखाती हूँ इसे, और जब आप बताइएगा कि आपको ये सब कैसा लगा है, और आपके मुंह में पानी आया कि नहीं आया। ओके, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, ये जो तेजपत्ता होता है इसे आप निकाल सकते हैं, ऐसा उसका कोई वो नहीं है, ये जब मुंह में आता है तो खराब ही लगता है। ओके, इसे आप निकाल दीजिए, और मैं दिखाती हूँ आपको कितने परफेक्ट चावल एकदम खिले खिले बनकर हो गए हैं तैयार, और मेरे मुंह में आ रहा है पानी, और मैं आपके लिए कहती हूँ कि आप भी खा लीजिए। ओके, तो चावल है एकदम रेडी शेडी, और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और आपको किस तरह का कोई मुझसे आपको सुझाव देना हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए। भावना गुड फील को आप सब्सक्राइब कीजिए। ओके, और उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, और चावल खाइए आप और इंजॉय कीजिए, और आपने मेरे साथ मेरे लिए इतना वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, सी यू, टेक केयर। अब मैं आपको एक कटोरी में अभी और दिखाती हूँ करके। ओके, आपको दिखाती हूँ एक कटोरी में, एक पलट के आपको कि क्या है इसके हालचाल। एक कटोरी में आपके लिए देती हूँ, एक प्लेट में मैंने अपने लिए ले लिए, और एक कटोरी में देती हूँ मैं आपके लिए, आप खाइए और बताइए कैसे लगे आपको। ओके, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए कि आपको ये सब कैसे लगे हैं, आप खाइए। ओके, बाय बाय, सी यू, टेक केयर, बाय, हेलो, नमस्कार, बाय।